हेलो जी नमस्कार सलाम सतरीकाल विश यू ऑल अ वेरी वेलकम टू दिस वंडरफुल चैनल नीट एलेक्र बाय अकेडमी एलेक्जर मीन्स अमृत आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर कैसे हैं जी आप सब लोग एक बार जरा चैट बॉक्स में देख लें क्या क्या चल रहा है जी हेलो मानसी हेलो आर पांडे बेटा हेलो ऋतिक विशाल कुमार अनन्या सरकार वेलकम 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 सुंदर लग रहा है ना पीछे इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल एनिमल किंगडम जब आप छोटे होते थे तो जू में जाते थे ना चिड़ियाघर में सो देर यू यूज टू सी ऑल दीज एनिमल्स एंड यू आर ऑलवेज एक्साइटेड टू सी लायन एंड टाइगर एंड हिप्पो एंड जिराफ ग्रेट जी आर एम पांडे आई एम फाइन सार्थक बेटा अंकिता पटेल ऋतिक कैसे जी आप सब लोग Do not forget to press the like button. When you press the like button, you mark your attendance in my heart. As a node pe, you know, pacemaker of the heart. And you mark your attendance on our channel also. So Welcome to our excellent session. I am your very own Dr. Sachin Kapoor with MPhil and PhD degree and with more than 24 years of teaching experience. More than 10 lakh students and teachers have been mentored by me.

हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रस्ट यू इफ यू कैनॉट कीप योअर सीक्रेट्स विद योर ओन सेल्फ बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं अगर आप अपने सीक्रेट स्वयं अपने पास नहीं रख सकते हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू कीप योअर सीक्रेट समटाइम्स इट हैपन्स ना वी शेयर आर सीक्रेट विद आर फ्रेंड्स एंड देन वी टेल देम डो नॉट शेयर विदी वन एल्स जस्ट इमेजिन इफ यू कैनॉट कीप योर सीक्रेट विद योर ओन सेल्फ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर्स टू कीप योर सीक्रेट ठीक है जी एम पांडे सार्थक विशाल वाशुपुंडी ऋतिक अक्षय सही बात बोली है ना मैंने चलिए सो कोटेशन कहती है बिलीव यू कैन विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं एंड आधा रास्ता वहीं पे पार हो जाता है ओके okay. बाकी का रास्ता हम पार करवाएंगे जी आपको नाउ सुनिए मेरी इंपॉर्टेंट बात अन अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर अनअकेडमी प्लस ठीक है जी ये क्या है अन अकेडमी प्लस जिसकी लर्नर्स एप आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेनी है वहां पे आपको अपने प्यारे से डॉक्टर सचिन कपूर को फॉलो कर लेना है ठीक है जी ये फॉलोअर्स आपको नजर आ रहे आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ और स्पेशल क्लासेस जो मैं कर रहा हूं आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस ऑन अन प्लस टली फ्री बिकॉजेडमी वॉन्ट्स की हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन जरूर पहुंचे ठीक है मानसी तो आज भी मैं शाम को अन अकेडमी प्लस पे फ्री स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं आपके साथ आई एम स्टार्टिंग विद्लीट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट बायोलॉजी तो कितना फायदा हो जाएगा अगर अभी से राइट फ्रॉम नाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर कॉन्फिडेंस दुगना तिगना हो जाएगा ठीक है जी तो कितने बजे मिलना है आपको डेली रात को नौ बजे नाइन पीएम डेली यू पीपल विल मीट मी हेलो अरुण कुमार जी चलिए आगे बढ़ते हैं एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर थ्री लेक्चर नंबर टू में आपको ये एनिमल मैंने दिखाया था यू रिमेंबर दिस एनिमल क्या आएगी फ़ाइलम सीलन का मेंबर कितना सुंदर लग रहा है ये बेचारा चलिए जी आज का फाइलम कौन सा है सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फाइलम प्लेटी हेलमिंथस प्लेटी हेलमिंथस यू नो द मीनिंग ऑफ प्लेटी प्लेटी मींस फ्लैट हेलमिंथस मींस वर्म्स सो प्लेटी हेलमिंथस इंक्लूड्स फ्लैट वर्म्स इससे पहले वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फॉरीफेरा वी हैव कवर्ड निडेरिया एंड टीनो फॉर ऑल्सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लेटीस राइट मेरे राजा बेटा साइड बाई साइड आप आंसर करते रहेंगे नाउ आई कंफर्टेबल विद दिस ना बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लर्न इंग्लिश ऑल्सो ओके जी फाइलम प्लेटीहल मिंथस फर्स्ट पॉइंट इज देयर बॉडी देखने में कैसे बॉडी इज वेंट्रली फ्लैटन जैसे यू कैन सी माई मोबाइल ऐसे ही पापड़ की तरह पत्ते की तरह पिचके हुए हैं सो देर बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड आई होप यू नो विच इज द डॉर्सल साइड एंड विच इज द वेंट्रल साइड आपको पता है ना सपोज आई एम स्टैंडिंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज माई वेंट्रल साइड द वन विच इज फेसिंग द ग्राउंड जो जमीन को फेस कर रही है वो वेंट्रल है और जो पीछे वाली पीठ वाली साइड सूरज को फेस कर रही है दैट इज डॉर्सल द बैक साइड सो देर बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड पिचकी हुई है इसीलिए फ्लैट वर्म्स कहते हैं बॉडी कैन बी लीफ लाइक पत्ते जैसी है जैसे मैंने एक पत्ता बना दिया है ऐसा भी हो सकता है और दे कैन बी रिबन लाइक ऐसे करके होता है सो हो so, रिबन जैसा कौन है इनमें से भाई टेप वर्म है टीनिय सोलियम बॉडी इज लाइक ए रिबन शेप बिकॉज सो वेंटली फ्लैट एंड नेक्स्ट पॉइंट ट्रू सेगमेंटेशन इज एबसेंट इंपॉर्टेंट

गमेंटेशन है राइट मेरे राजा बेटा प्रेरणा अरुण ऋतिक सार्थक अन्य दिव्या वी लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना एंड यू हैव प्रोमिस्ड मी दैट यू विल शेयर दिस सेशन विद फाइव ऑफ योर फ्रेंड्स सो डू दैट राइट नाउ चलिए जी यह आपको दिख लिस एनिमल फ्लैट वर्म प्लेनेरिया है ये अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस फाइलम इज प्लेरिया देन सोलियम टेपवम आता है इसमें फिर आप इसमें पढ़ेंगे फ्लूक, फ्लूक जिसे कहते हैं। इट इज फाउंड इन लिवर एंड डक्ट ऑफ शीप ठीक है शीप के लिवर और डक्ट में ये पाई जाती है चलिए जी आगे बढ़ते हैं Habit कहां पर मिलते हैं दे आर फ्री लिविंग ऑल्सो And they are even endoparasites. tar they are endoparasite Means found in animals including human beings. Endo means inside. Parasite, par jise hum kahate. So endoparasites jo hote hain, beta. Endoparasites jo hain, these are found inside the body. Found inside body. Endoparasites. और एक्टोपैरासाइट शरीर के बाहर लाइक like हमारी बॉडी पे बॉडी लाइव हो सकती है दे आर एक्टो दैट सो द डिफरेंस नेक्स्ट पॉइंट वट काइंड ऑफ़ बॉडी प्लान दे हैव रिमेंबर सीलेंट्रेटा फाइलम हाइड्रा ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक मीन्स माउथ प्रेजेंट एनस एबसेंट सो अनडाइजेस्टेड फूड इज ऑल्सो पासड आउट थ्रू माउथ सो दीज एनिमल्स हैव ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान वी विल रिवाइज हेयर निडेरियंस निडेरियंस जिसमें की एग्जाम्पल हमने ली थी हाइड्रा दे ऑल्सो हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान ओके

कोई नहीं है सो प्लेटी ब्लाइंड सैक निडेरिया ऑल्सो ब्लाइंड सैक क्लियर है जी इतना राइट आर कंप्लीटली नहीं है हाँ नहीं है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एनिमल किंगडम में वी विल फाइंड बेटर फीचर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस में क्या था सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान उसके बाद निडेरिया में गए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक थे निडेरियन अब हम यहां पे आके देखेंगे दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक बॉडी डेवलप्स फ्रॉम थ्री जम लेयर्स क्लियर है प्रेरणा बेटा सिमेट्री कैसी है इनमें जस्ट लुक एट दिस एनिमल दे हैव बायलेटरल सिमेट्री बाइलेट्रल का मतलब है लाइक वी ह्यूमन ऑल्सोट्रल सिमेट्री यू कैन डिवाइड माई बॉडी इंटू टू कंप्लीट इक्वल हाफ बाय वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी शरीर को दो टुकड़ों में बराबर टुकड़ों में बांटा जा सकता है सो दे हैव हैल सिमेट्री और कंपेयर करें निडेरिया से निडेरियंस में कैसा सिमेट्री था निडेरियंस दे हैव रेडियल सिमेट्री सिमिट्री वट काइंडिका मित्तल है वट काइंड ऑफ सिमिट्री इज फाउंड इन पॉरीफेम स्पॉन्जेस में क्विकली सार्थक प्रेरणा ऋतिक कह रहे क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम भी इन्हीं से बने देखिए बेटा ये इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि हायर एनिमल्स कैसे बने हैं व्हाट एक्चुअली इवोल्यूशन इज अनन्या दिव्या खुशवाहा वट इज द सिमिट्री फाउंड इन स्पॉन्जेस रेडियल बायियल है ना किस तरह नो सिमिट्री रिथिक्स इज नो सिमेट्री वेरी गुड स्पॉन्जेस पॉरिफेरा वाले उससे ऊपर स्पॉन्जेज रेडियली सिमेट्रिकल प्लेटी हेलमेंथस में बायलेट्रल सिमेट्री सो वन क्वेश्चन विच कैन बी आज इन योर नीट एग्जाम इज वन क्वेश्चन विच कैन बी इन नीट एग्जाम इज दट विच इज द फर्स्ट फाइलम

नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है स्पॉन्जेस में क्या था सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन निडेरिया उससे थोड़ा सा ऊपर का फाइलम है निडेरिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमिंथस उससे ऊपर है सो प्लेटी हेलमिंथस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन राजा बेटा वी नो दैट दे फॉर्म टिश्यूज टिश्यूज दे फॉर्म

एंड सकरस आर प्रेजेंट इन दैरासिटिक फॉर्म दिस कैन बी आस्ड इन नीड इन विच फाइलम विद एंड यू कैन सी हुक्स एंड सकर्स एंड वट इज देयर पर्प अटैचमेंट विदी ऑफ द होस्ट होस्ट के शरीर के साथ जुड़ना दे आर एनो पैरासाइट जुड़ेंगे अंदर इंटरेस्ट टाइम में तभी अपनी बॉडी वॉल्स न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेंगे दिस शो बिगिनिंग ऑफ सीफिलाइजेशन ऑफ दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट वट इज सीफिलाईजेशन हेड फॉर्मेशन वेन यू लुक एट दीज एनिमल यू कैन टेल दिस इज देयर हैड जब आप पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस को या निडेरियंस को देखते हैं तो उन्हें देख के हम ये बता नहीं सकते उनका सिर कौन सा है उनका पैर कौन सा है सो इन दिस फाइलम इट इज द फर्स्ट फाइलम विच शोज बिगिनिंग ऑफ सीफिलाइजेशन इट इज रिटर्न हेड फॉर्मेशन इज दिस पॉइंट क्लियर जेस में देर इज नो सिफिलाईजेशन कोई हेड या टेल नहीं होता बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला फाइलम विच इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक पहला फाइलम विच इज बाइलेट्री सिमिट्रिकल सो मेनी इंपॉर्टेंट फीचर्स दे है क्लियर होनी चाहिए हर चीज आपको नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा था ट्रिपलो ब्लास्टिक एनिमल्स ट्रिप्लो तीन ट्रिपलो ब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब है देयर बॉडी डिवेलप फ्रॉम थ्री जर्म लेयर्स, बॉडी डिवेलप फ्रॉम थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडम मीजोडम एंडोडम इससे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट निडेरिया एंड आई टोल्ड यू निडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक, देयर बॉडी डिवेलप फ्रॉम टू जर्मलियर्स एक्टोडम एंड एंडोडम निडेरिया में आ चुकी है गैस्ट्रोला में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे मीजोडम एक्टोडम क्या होती है सो फॉर द टाइम बींग जस्ट रिमेंबर इट इज द फर्स्ट फाइलम विच इज ट्रिप्लो ब्लास्टिक बॉडी डेवलप होता है पहला फाइलम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहलाइजेशन ट्रिपलोब्लास्टिक बॉडी कंडीशन आई वॉन्ट की आपको साथ साथ याद हो जाए चीजें इनकी जो बॉडी है ना दैट इज बॉडी इज इन क्लोज बाय सिंगल लेफ एपीडर्मि और फॉर्म टैग्यूमेंट एंड मसल लेयर

एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म गैस एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस सपोज दिस इज लेट मी ड्रॉ दिस शीप लिवर फ्ल्यूक है ना कुछ कुछ ऐसा लगता है देखने में ओके दिस एनिमल विच आई हैव शोन हेयर इज शीप लिवर फ्ल्यूक ओके, राइट सो डॉर्सोवेंटली फ्लैटन बॉडी है सिंपल या प्लेनेरिया ले लीजिए सो सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस देअर बॉडी वॉल एक चीज याद रखिएगा सार्थक जब तक किसी एनिमल का ओवरऑल सरफेस एरिया काफी ज्यादा है दैट इट कैन फुलफिल दी नीड्स ऑफ देयर वॉल्यूम तब तक देर आर नो स्पेशाइज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नो एक्सक्रीटरी सरफेस एरिया काफी है वॉल्यूम की जरूरतों को पूरा करने के लिए तो सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता है इज दिस पॉइंट क्लियर राइट प्रेस द लाइक बटन अगर अभी तक लाइक like का बटन प्रेस नहीं करा है एंड आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस सेशन इन ऑल योर ग्रुप्स क्लियर है जी राइट right? अनन्या आगे बढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आर एबसेंट जरूरत ही नहीं है सरफेस एरिया इनफ है वॉल्यूम की जरूरतों को पूरा करने के लिए अरमान अली श्योर विल सून स्टार्ट विद इकॉलॉजी जेनेटिक्स ऑल द टॉपिक्स पक्का एक्सक्रिशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर वॉन्ट्स टू फ्रेम अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस यहां से क्वेश्चन बना रहे हैं भाई बच्चों को पता होना चाहिए फ्लेम सेल्स क्या होते हैं स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स वाई कॉल्ड फ्लेम सेल्स ऐसे देखो ना ये ये लग रहा है ना जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम है इसके अंदर ये जो सीलियरी फ्लेम दिख रहा है इस तरह से अरेन्ज डाउन सेल्स में दे गिव द दियरेंस ऑफ अ फ्लेम सो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए दे हैव फ्लेम सेल्स नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ हार्मुल मेटाबोलिक वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज में कॉन्टेंट ऑफ द बॉडी शरीर का पानी और आय का लेवल बना के रखना इज ऑस्मो रेगुलेशन वी ऑल्सो हैगन फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कौन से ऑर्गन है हमारे पास किडनीज हमारी किडनी दोनों काम करती है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का यहां पर ठीक है जी नाउ व्हाट इज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टेल मी अमोनिया सो वी से दैट दे आर अमोनोटेलिक अभी तक जितने फाइलम हमने पढ़े हैं पॉरीफेरा अमोनोटेलिक

ये जरूर पूछेगा कि विच आर दी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन केस ऑफ प्लेटी फ्लेम सेल्स आई वॉन्ट कि आप एक बार चैट बॉक्स में मुझे भेजिए फ्लेम सेल्स नेहा वाशुपुंडीर अनन्या, प्रेरणा आर्यमा पांडे अक्षित जल्दी से लिख के भेजिए बॉक्स में फ्लेम सेल्स सो दैट आई एम श्योर कि आपको नाम याद हो गया है फ्लेम सेल्स नेम इज इंपॉर्टेंट प्लेटी हेलमिंथस फ्लेम सेल्स आप चैट बॉक्स में लिखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं सर्कुलेटरी सिस्टम कैन इनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम इज अनडेवलप्ड बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरन कायमा यहां पर एक कनेक्टिव टिश्यू फिल्ड है इनकी बॉडी कैविटी में जिसे पेरन कायमा कह देते हैं क्लियर है जी राइट देवांश कह रहे हैं जी देवांश आपका मैसेज समझ नहीं आया मुझे माइंड ब्लोइंग आपने कुछ लिखा है कौन सी चीज माइंड ब्लोइंग लगी है ना लाइक like का बटन प्रेस करो यार सबसे पहले हाजिरी लगाओ अपनी मार्क यूर अटेंडेंस इन माई ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ऑफ माई हार्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट इन ब्रेन ऑल्सो कैविटीज इन विच दी सरिब्रोस्पाइनल फ्लूड इज प्रेजेंट व्हाइट जी राजा बेटा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है भाई नर्वस सिस्टम कैसा है इनका अब आप कहेंगे सर नर्वस सिस्टम का थोड़ा इवोल्यूशन तो बताओ इन पॉरीफेराफाइलम स्पॉन्जेस देर आर नो इन केस ऑफ स्पॉन्जेस है ना बट स्टिल दे आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्पॉन्जेस आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट एग्रीड

डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये इनके कनेक्टिव हैं आपस बीच में ट्रांसवर्स नर्व सो सी जैसा ही तो हुआ राइट इट इज लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक इट में ब्रेन है एंड लॉन्गिट्यूनल नर्व कॉर्ड है ये वाली चीज को दिस इज वट इज कॉल्ड एज देयर ब्रेन एंड दीज आर द नर्व कॉर्ड यू कैन सी हेर कंप्लीट एनिमल में दिखाया गया है नर्वस सिस्टम इज लेडर लाइक ठीक है जी हादिया बेटा अनन्या सरकार दिव्या प्रेरणा क्लियरली विजिबल वेरी गुड ठीक है ट्रांसवर्स कमिश्नर्स होते हैं ये वाले ट्रांसवर्स कमिश्नर्स हैं ये वाली चीज जो है ये विच इज कनेक्टिंग द टू नर्व कॉज सो नर्वस सिस्टम इज स्लाइटली एडवांस्ड राइट नर्वस सिस्टम सबसे पहले कहां देखने को मिला निडेरिया फाइलम में हाइड्रा इज द फर्स्ट एनिमल विच वॉज बिगिनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है भाई ज्यादातर तो ये एंडोपैरासाइट हैं इंटेस्टाइन में जैसे टेपी सोलियम पोर्क टेपम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इफ प्रेजेंट अगर प्रेजेंट है तो इट इज इनकम्प्लीट एज एन निडेरियंस ब्लाइंड सेक्ट टाइप ऑफ बॉडी प्लान हमने बोल दिया पैरासिटिक फॉर्म्स जो होती हैं दोज विच आर पैरासाइट्स राइट जी दो विच आर कॉल्ड पैरासाइट एंडोपैरासाइट्स दे एब्सॉर्ब न्यूट्रीएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सर्फेस सपोज भाई ये टेपवम है, है ना जस्ट अ रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेपम सो टेपवम कहेगा कि होस्ट का डाइजेस्टेड फूड मटीरियल जो है न्यूट्रिय जो है वेदर इट इज ग्लूकोज वेदर इट इज अमीनो एसिड एवरीथिंग विल बी एब्सॉर्ब थ्रू दिनरल बॉडी सर्फेस surface area is enough it is permeable right so they absorb the nutrition through the general body surface next undigested remains it is undigested remains of the food are passed out through the mouth because they do not have anus अनन्या सरकार से सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि क्लास में ही सब कुछ याद हो जाता है बिल्कुल याद होना चाहिए राजेश पटेल कह रहे हैं सीफिलाइजेशन इनिया नो राजेश बेटा सीफिलाइजेशन और देड फॉर्मेशन सबसे पहले इट इज सीन इन प्लेटीहलमिथसफाइलम बाई लुकिंग एट अ टेप फॉर्म यू कैन टेल विच इज दंश चौधरी बेटा ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना जरूरी है हमने पौरीफेरा में देखा वो हर्मेफ्रोडाइट थे निडेरियंस में भी हर्मेफ्रोडाइट देखे हमने यहां पे क्या है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट सेम मोस्टली हर्मोफ्रोडाइट है हर्माफ्रोडाइट एनिमल जब आप कहते हैं इसका मतलब होता है सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमीट्स राइट स्पर्म भी वही बना रहा है ओवा भी वही बना रहा है सो सेम इंडिविजुअल इज प्रोड्यूसिंग ओवम एंड स्पर्म दे आर हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स टरी अपरेटर्स कुछ में हो सकता है कुछ में नहीं भी एनसीआर में पॉइंट नहीं दिया, तो आप इग्नोर कर सकते हैं कोई बात नहीं हमेंटेंट है याद रखना फर्टिलाइजेशन कैसे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल पॉरिफरा में इंटरनल था निडेरिया में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह का देखने को मिला राइट right? अन्य सरकार यहां पर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल जैसे जैसे आप हायर एनिमल्स की तरफ जाएंगे आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल आपको देखने को मिलेगा गुरदीप क्लियर है बच्चे नेक्स्ट बढ़ते हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट कैसा है इनडायरेक्ट एंड मेनी लार्वल स्टेजेस पॉरीफेरा में डेवलपमेंट कैसा था एक कंपेरिजन कर लेते हैं जी एक बार वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो राइट सुनो इन पॉरीफेराफलम वी हैव रेड दैट फर्टिलाइजेशन वॉज internal right in the middle body layer that mesenchyme in, in case of nadiria

लारवा इफायरा लार्वा पांडेक् रिपोर्डक्शन प्रोवाइड रॉ मटीरियल फॉर इवोल्यूशन प्रोवाइड द रॉ मेटीरियल फॉर इवोल्यूशन राइट सो वेरिएशन आर प्रोवाइडिंग रॉ मटीरियल फॉर इवोल्यूशन हर एनिमल अपने लेवल पे इवॉल्व है राजा इवोल्यूशन डजेंट मीन कॉम्प्लेक्सिटी यू नीड नॉट टू बी कॉम्प्लेक्स टू प्रूव दैट यू आर इवॉल्व्ड Even an amoeba is capable of uh, successful feeding and breeding. Humans are capable of successful feeding and breeding. Complexity is never the aim of evolution. Aim of evolution is fitness, fitness of individual with respect to surrounding conditions. वी विल डिस्कस इन डिटेल इन रिवोल्यूशन लेट्स कम बैक डेवलपमेंट इन प्लेटी हेलमिथसिस इन डायरेक्ट दैट मीन लार्वल स्टेजेस अब दे आर सो मेनी लार्वल स्टेजेस कुछ स्टूडेंट्स नाम लिख के भेज रहे हैं हदिया ने नाम लिख के भेजा है शीप लिवर फ्लू के लाइफ साइकिल में मेरा सिडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सरकेरिया मेटासर्केरिया ये सब लार्वल स्टेजेस हैं बिल्कुल सही कहा आपने ऐसे ही टेपवम के लाइफ साइकिल में भी दे आर सो मेनी लार्वल स्टेजेस देर इज हैगजा कैंथ लारवा ऑनकोस्फियर लार्वा सिस्टी सर्कस लार्वा सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द लार्वे बट जस्ट रिमेंबर दैट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड मेनी लार्वल स्टेजेस पुराने सिलेबस में वो सब लार्वे पूछे जाते थे इसलिए मैंने यहां पर लिख भी दिया है लार्वे ऑफ शीप लिवर फ्लू वन स्टूडेंट वॉज राइटिंग द नेम अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कई बुक्स में स्टडी मटीरियल में यू कैन फाइंड द नेम्स ऑफ दीज लार्वे सो आपको डरना नहीं है अब ये सिलेबस में नहीं है पुराने सिलेबस के कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे आपको दिख जाएंगे मिरासिडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सरकेरिया मेटा सर्केरिया इज इट क्लियर जी राइट right? सार्थक कह रहे हैं पानी पी लीजिए बिल्कुल जी पानी पी रहे हैं हम साथ साथ थैंक यू बेटा पोर्क टेफुअम कैन एनीवन टेल मी साइंटिफिक नेम ऑफ द पोर्क टेफुम इन दिस सेशन ऑल्सो आई हैव रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स बताइए मुझे साइंटिफिक नेम ऑफ पोर्क टेपवर्म क्या है कह रहे हैं चैप्टर सर चैप्टर इतना लिंक्ड है कि सवाल बन जाते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल एनिमल किंगडम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल जी पोर्क टेपवर्म क्या होता है बताइए ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां प्रेरणा दिव्या वेरी गुड मोआज हुसैन कहां थे आप अब दिखे हो मुझे अभी दिस इज सोलियम बीफ टीनियाम भी होता है राइट कैट टेपम टीनिया पिसीफॉर्मस डाईफाइलो बॉप्रियम लेटम देर सो मेनी स्पीशीज ऑफ टेपम्स हमें सारी तो नहीं पढ़नी दिव्या वाशु अनन्या देवांश सही लिख रहे हैं

है ना एनसीआर में नहीं दिए बट आप मेरे अच्छे बच्चे हैं यू आर माई गुड डॉक्टर्स यू विल रिमेंबर हैग्जा कैंथ लार्वा देन मीरा सॉरी ऑनकोस्फियर लार्वा एंड देन सिस्टी सर्कस और द्लेडरव लार्वा सिस्टी सर्कस लार्वा जो है वो uh, के जो मसल्स हैं उसमें सिस्ट बना देता है एंड इफ दैट इफ दैट इज कंज्यूम्ड बाई ह्यूमर का जो नॉनवेज खाते मॉस्किटो का रल रेगुलर है राजेश ने कहा बिल्कुल सही कहा जी गॉड ब्लेस यू आगे बढ़ते हैं फाइलम प्लेटी हेलमिंथस अभी अभी हमने पढ़ा वट यूनिक फीचर्स वी हैव सीन इन एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमिंथस यूनिक फीचर्स नंबर वन सबसे पहले हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला पॉरीफेरा स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल निडेरिया में टिश्यू लेवल टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल अल्टीच्यूबाउट टीनोफोरा ऑल्सो डोंट वेरी सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया दे हैव वेरी हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्लेनेरिया में रीजनरेशन एबिलिटी इज वेरी गुड इनफैक्ट स्पॉन्जेस में तो मैंने बताया था एक्सिलेंट एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन एक स्पॉन्ज को आप तोड़ के मरोड़ के चूरा बना के फिल्टर पेपर से भी पास कर दीजिए स्टिल द इज कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इट्स बॉडी हाइड्रा फाइलम में हाइड्रा इज इमोटल अमर होता है हाइड्रा की नेचुरल डेथ नहीं होती है जैसे जैसे एनिमल किंगडम में हायर जाएंगे रीजनरेशन एबिलिटी थोड़ी कम जरूर होती जाती है है ना सो so, यहां पे प्लेनेरिया इज वन एग्जांपल व्हिच हैज वेरी गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन रितिक <coughs> कह रहे सर वर्ल्ड में तो बहुत ह्यूमन खा, खाते हैं तो उनको कुछ नहीं देखिए जो पोर्क होता है अगर उसे अच्छे से पका के खाया जाएगा तो ये लार्वा मर जाता है सर्कस है ना बट समटाइम्स इवन इफ यू कुक द फूड प्रॉपरली देन ऑल्सो द लार्वा सर्वाइव्स द लार्वा एंटर्स इनटू योर इंटेस्टाइन फ्रॉम इंटेस्टाइन इट कैन गो टू ब्रेन ऑल्सो एंड इट कैन कॉज न्यूरो विच इज वेरी डेंजरस ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी कंडीशन देखने को मिली प्रेजेंस ऑफ मसल लेयर बिगिनिंग ऑफ सिफिलाइजेशन और उसके अलावा और क्या देखने को मिला था यहां पे बाइलेट्रल सिमिट्री पहला फाइलम जिसमें हमको बायलेट्रल सिमिट्री देखने को मिली सो इफ यू कंपेयर प्लेटी हेलमिंथस अन्य सरकार विद द लोअर फाइला यू फाइंड दीज इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स क्लियर है जी चलो नो लेट्स कम टू दी एग्जाम्पल्स अब यह है थोड़ा पेन पॉइंट आपका जो आपको याद रखने पड़ेंगे सम एग्जाम्पल्स आर मेंशन इन एनसीआरटी एंड सम आर नॉट मेंशनड सो मैं कुछ एडिशनल एग्जाम्पल्स बता रहा हूं बिकॉज दो दीज आर नॉट मेंशनड इन एन सी आर टी बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन राइट नीट

ये चाहे ना याद करो कोई बात नहीं चलेगा लेकिन ये याद करना शिस्टोसोमा इज इंपॉर्टेंट शिस्टोसोमा हेमिटोबियम इज ब्लड फ्लूक देन टीनिया सोलियम इज इंपॉर्टेंट टीनिया सोलियम इज द पोर्क टेपवम सिमिलरली वी हैव टीनिया सेजीनाटा ऑल्सो दैट इज बीफ टेपवम पोर्क और बीफ अलग होते हैं ध्यान रखिएगा राइट right? देवांश कह रहे हैं कैन यू टेक टू लेक्चर्स इन अ डे वन फ्रॉम इलेवंथ एंड वन फ्रॉम ट्वेल्थ दट विल बी नॉट अल्टरनेट डेज पे वी आर टेकिंग इलेवंथ एंड ट्वेल्थ लाइक इज मंडे आई एम टेकिंग इलेवंथ टुमारो इज ट्यूजडे आई एल बी टीचिंग ट्वेल्थ क्लास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी जो वीडियोज चैनल पर अवेलेबल है आई रिक्वेस्ट की आप वो जरूर 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 देख लीजिए सचिन कुमार इज आस्किंग हाउ टू रिमेंबर सचिन लिख लिख के याद करो मैंने भी लिख लिख के याद करे थे वेन आई वेज अ स्टूडेंट मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएंगे ठीक है जी साक्षी कह रही है सर एनसीईआरटी में रिड्यूस हुआ है नीट के लिए, नहीं अभी नीट के लिए कुछ रिड्यूस नहीं हुआ बेटा जैसे ही एनटीए की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी दैट इज देर एनी चेंज इन द सिलेबस आई विल डेफिनेटली टेल यू डॉग टेपवर्म इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस कोकस पढ़ा है ना बैक्टीरिया में भी आज है ना मुआज हुसैन कह रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल शिस्टोसोमा जेपोनिकम शिस्टोसोमा मानसोनी बिल्कुल सही कहा आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद करी हुई है सो so, इस पूरी स्लाइड में से याद रख लेना प्लेनेरिया टीनिया तीन चार तो ये याद रखने ही रखने हो जाएंगे याद कैन यू डू दिस एक्स्ट्रा एफर्ट राइट दीज नेम्स बीफ टेपवम पोक टेपवम ये दो अलग होते हैं टीनिया सोलियम टीनिया सेजिनाटा राइट एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन माइंड प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स बताइए लेट्स इंटरेक्ट। क्वेश्चन पूछिए पॉरीफेरा निडेरिया प्लेटी हेलमेंथर्स एनी डाउट यू हैव फ्रॉम एनिमल किंगडम अनन्या मानसी सेंड मी अप साइन इन द चैट बॉक्स एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो अगर अभी तक लाइक नहीं कराए तो याद हो जाएंगे बच्चे कह रहे वेरी गुड चलो मैं दिखा भी देता हूं साथ साथ एग्जाम्पल्स जो एनसीआरटी की हैं एनसीआरटी गिव्स एग्जाम्पल ऑफ प्लेनेरिया सो दिस इज प्लेनेरिया ये रहा आपके सामने देन एनसीआरटी गिव्स एग्जाम्पल ऑफ फेसियोला शीप लिवर फ्लूक राइट इट इज फाउंड इन दी इट इज फाउंड इन लिवर एंड बाइल डक्ट ऑफ शीप इसका लाइफ साइकिल भी डायजेनेटिक होता है इट इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट डायजेनेटिक लाइफ साइकिल कैन यू टेल मी टू होस्ट इन दाइफ साइकिलेरिया ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा यह क्लासिफिकेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है पहले होता था सो so, टर्बिलेरिया ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा टर्बीलेरियर फ्री लिविंग ट्रेमेटोड एक्सक्लूसिवलीफ साइकिल्व कौन से दो होस्ट एक तो होता है शीप दूसरा होस्ट बता दीजिए राइट ऋतिक कह रहे सर ऐसा लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहा हूं डायरेक्ट इंटरैक्शन हो जाता है यही तो हमारा मकसद है टू मेक यू फील दैट वी आर कनेक्टेड विद यू आप अपने घर में बैठे हैं आराम से अपने सोफे पे बैठे हैं जैसे भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं एंड सी हाउ वंडरफुल इट इज टेक्नोलॉजी है ना इंडिया के बढ़िया से बढ़िया टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं ऐसे घर बैठे आराम कंफर्टेबल इंस्टीट्यूट आने जाने का कोई खर्चा नहीं है कोई टेंशन नहीं है कोई टाइम वेस्टेज नहीं है और बढ़िया से करना है सारी चीजें पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए मुझसे तो आप प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं मुझे अन अकेडमी प्लस पर आप सब्सक्रिप्शन लेके मेरा कोड यूज करके दैट इज सचिन लाइव एल आई ई सचिन लाइव कोड यूज कीजिए और आप मुझसे पढ़ लीजिए दोबारा लिख दो यहाँ पे डॉक्टर सचिन का कोड सचिन लाइव लाइफ बदलनी है डॉक्टर बनना है सचिन लाइव कोड अकेडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे अन अकेडमी का लर्नर ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप पहली बार भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं अच्छा जी तो मैंने पूछा था डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है दो होस्ट कौन से हैं बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिए वन होस्ट इज शीप एंड अदर होस्ट इज स्नेल 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 बिलोंग्स टू फाइलम तो स्नेल की बॉडी में फिर मेरा सिडियम लार्वा घुसता है स्पोरोसिस्ट बनता है रेडिया बनता है वो सब चीजें अब सिलेबस में नहीं है पहले हुआ करती थी तो पुराने क्वेश्चन वंडरफुल जी चैट बॉक्स में सार्थक ने मेरा कोड लिख के भेजा है ग्रेट दिल खुश कर दिया आपने आगे बढ़ते हैं। ये प्लेनेरिया का पूरा ये डायग्राम है अगर किसी को डिटेल में देखना है भैया प्लेनेरिया से जान पहचान ज्यादा बढ़ानी है अनन्या सो आई एम शोइंग यू दिस ऑल्सो ठीक है जी पूरा पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा चिंता नहीं करनी है अब आप देखो थोड़ा सा डराता हूं मैं आपको इंटस्टिनल फ्लूक और ब्लड फ्लूक मैंने बोले थे ना ये फ्लूक्स जो है प्लेटी हेलमिंथस के मेंबर्स हैं फ्लूक्स प्लेटी हेलमिंथस में आ रहे हैं फेसियोलॉप्सिस बस्की शिस्टोसोमा हेमेटोबियम मैंने कहा था फेस्योलॉपिस चाहे ना याद रखना जस्ट रिमेंबर शिस्टोसोमा शिस्टोसोमा जो होता है ब्लड फ्लू का ब्लड में जब चला जाता है ना शिस्टोसोमियासिस करता है ठीक है जी राजेश कह रहे हैं समवन ईट्स हाफ कुक्ड बीफ कैन सर्जेनेटा बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है इसी तरीके से तो होते हैं इंफेक्शन ये सिस्टिसरकोसिस इम्रॉपरली कुक्ड फूड खा लेने से अगर उसमें लार्वा प्रेजेंट है तो ठीक है जी नेक्स्ट एग्जांपल अब ये देखो कितने डरावने से लग रहे हैं लग रहे हैं ना डरावने डर दर लग रहा है आपको कोई पेशेंट आपके सामने आ जाए जिसकी बॉडी में ढेर सारे वर्म्स हों टीनियर से जिनाटा बीफ टेप फॉर्म लुक एट दिस कितना हाईली मैग्निफाइड कलरफुल पिक्चर है डॉग की बॉडी में भी होता है डॉग टेप फॉर्म हाइड्रेटेड सिस्ट बना देता है डॉग के शरीर में हेलो सरफराज अहमद कैसे हो मेरे बच्चे गॉड ब्लेस यू देखिए जरा पिक्चर्स डेट्स वाई आई से डेवेलप लव विद योर सब्जेक्ट पैशन यू शुड हैव दिस क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर

फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन अंश चौधरी प्रेस द लाइक बटन ऑल ऑफ यू जब भी डॉक्टर कपूर आपके साथ लाइव होना तो लाइक जरूर करनाशन साद्यात अन्य दिव्या प्रेरणा जल्दी से अंश चौधरी से डायग्राम इज फॉर एंसर बिल्कुल सही कहाल्स तो आप फटाक सा जवाब दे देंगे कि भाई हमें पता है फ्लेम गड़बड़ कहा हो जाती है, हमें ये तो पता होता है कि लेकिन अगर आप इसको देख के पहचान नहीं पाए तो गड़बड़ हो जाएगी सो इसीलिए मेक यूर डायग्राम्स यू शुड नो दिज एनिमल वाई आई से दैट एनसीआर के डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि प्लेनेरिया है ये टेप है तभी तो बताएंगे कि फ्लेम सेल्स है

ये दिस इज द स्कॉलेक्स और द हेड रीजन स्कॉलेक्स हैज हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट विद द बॉडी ऑफ द होस्ट एंटीरियर सकर इज कॉल्ड इट हैज टू सर्कल्स ऑफ इनस हुक्स दिख रही है ये इन्हीं हुक्स एंड सकर्स के साथ ये टेपवर्म जो है होस्ट की बॉडी के साथ जुड़ जाता है लेकिन इट डजंट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम स्कॉलेक्स ना न्यूट्रिशन कैसे न्यूट्रिशन इज थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस आई एम श्योर प्लेटियल मिंथस फाइलम पढ़ के कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों को यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट टेपवर्म कितना लंबा है देखो माई गॉड स्कॉलेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ द रिमेनिंग वर्म इज कट अगर हेड और स्कॉलेक्स रह गया बॉडी में ऑल द प्रोग्लॉटिट्स कैन रीजेनरेट लाइफ साइकिल जो होता है इसका डायजेनेटिक है लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म इज डायजेनेटिक इट इन्वॉल्व टू होस्ट दैट इज ह्यूमन एंड पिग Right, written, life cycle of tapeworm. Life cycle of tapeworm is digenetic. Digenetic means it involves two hosts. One host is called primary, that is human beings. They are the primary host. Secondary host is pig. Okay? There can be many other animals which are acting as secondary host. चौधरी से बच्चे लाइव जुड़े हैं डेली आई एम टेकिंग फ्री क्लासेस एट द अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म एट 9 पीएम आज भी 9 बजे क्लास है मेरी स्पेशल क्लास विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें आई एम डिस्कसिंग द प्रीवियसर क्वेश्चन दिवांश मलिक एस्कैरिस जो होता है ना बेटा एस्कैरिस लुमरी कोजेस वो नेक्स्ट फाइलम है 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 वो राउंड वर्म है, नेमेटोड है, वी आर डिस्कसिंग फाइलमसिंग प्लेटी ठीक है दिवांश क्लियर हुई है बात अनन्या को स्लाइड्स पसंद आ रही है ये तो अच्छी बात है अभी देखो मैंने पूरा लाइफ साइकिल भी दिखा दिया दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू दिस पीडीएफ सेशन खत्म होते ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ शेयर हो जाएगा पीडीएफ so, कहां पे मिलेगा इसी पूरे सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा नीट एलिग्जर जो हमारे चैनल का नाम है नीट एलिग्जर टेलीग्राम वहां मिलेगा एंड इन एडिशन टू दैट यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो एंड आई विल शेयर ऑल दीज पीपीटी स्लाइड विद यू सो दैट यू कैन रिवाइज इट इज डॉक्टर सचिन कपूर टॉक टॉक मीन बात कीजिए

तो पिग की बॉडी में चला जाता है तो पिग की बॉडी में जाके ऑनकोस्फियर लार्वा जो उसकी मेम्रेन डिजॉल्व होती है और वो लार्वा अपने चारों तरफ सिस्ट बना के पिग के मसल में सिस्टी सर्कस लार्वा बना देता है सो दिस कंप्लीट लाइफ साइकिल यू कैन डू ऑन योर ओन इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू डिस्कस विद मी ठीक है जी ऋतिक कह रहे हैं सर यू हैव गिवन ऑन टेलीग्राम सम क्लिप्स आर वेरी मच अमेजिंग थैंक यू सो मच ओके सो पढ़िएगा कोई डाउट होगा कुछ भी तो मैं आपको बता दूंगा अर्लियर इट वॉज इन यूर सिलेबस फिर उन्होंने सिलेबस में से हटा दिया बट स्टिल आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आई वॉन्ट यू टू नो दिस थिंग इट्स बेसिक नेक्स्ट फाइलम है जी हमारा एशल एशल अभी अभी कोई पूछ रहा था ना किसी ने पूछा था ना इसके बारे में ये है जी वो राउंड ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं एशलमिथस को नेमेटोड्स भी कहते हैं दीज आर द राउंड वर्म्स एंड दिस विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एक बार हम क्विक रिकैप देख लें आज हमने क्या पढ़ा है आज हमने क्या पढ़ा है फाइलम प्लेटी हेलमिंथर्स जल्दी से हम लास्ट के पांच मिनट में रिवाइज कर लेते हैं अपना पूरा का पूरा फाइलम चलिए जी प्लेटी हेलमिंथस प्लेटी मीनस फ्लैट हेलमिंथस मीन्स वर्म्स एंड स्टडी ऑफ दीज वर्म्स इज वॉट इज कॉल्ड हेलमिंथोलोजी हेलमिंथोलोजी कॉमन एग्जाम्पल्स प्लेनेरिया लिवर फ्लू टेपवर्म प्लेटी हेलमिंथस में बॉडी वेंट्रली फ्लैटन है लीफ लाइक है पत्ते जैसी है या रिबन जैसी है लिखा नहीं? True segmentation नहीं, है, है, ये होते हैं, माउथ इज प्रेजेंट बट एनस इज एबसेंट एंड सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं द फर्स्ट फाइलम टू शो बाइलेट्रल सिमेट्री इफ यू लुक एट स्पॉन्जेस दे आर एसिमेट्रिकल निडेरियंस दे आर रेडियली सिमेट्रिकल

गैस एक्सचेंज के लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं है सिंपल थ्रू द बॉडी वॉल दे आर एबल टू एक्सचेंज देर गैसेस एक्सक्रीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन एग्जाम फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन अनन्या एन देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी ही पड़ती हैं नर्वस सिस्टम लेडर लाइक होता है सीढ़ी जैसा ओके मेल फीमेल अलग नहीं होते आर नॉट सेपरेट कुछ एक एग्जांपल्स हैं फ्लूक्स में जहां मेल फीमेल अलग है लेकिन इन जनरल सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है बहुत सारी लार्वल चेजेस प्रेजेंट होती हैं ठीक है जी अब देखो पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया ना अब जरा एनसीईआरटी में से पढ़ के देखना है फाइलम आपको लगेगा इतना कम दी हुई छह सात लाइनें दी हुई हैं तो याद हो गई हमें सचिन सर ने सारी लाइंस एक्सप्लेन कर दी हैं लार्वल स्टेजेस के नाम भी बता दिए पोर्क टेपवर्म के लार्वे याद रख लेना हैग्जा कैंथ ऑनकोस्फियर सिस्टी सर्कस यूनिक फीचर्स बताए थे मैंने इस फाइलम के एग्जाम्पल्स प्लेनेरिया फेसियोला शिस्टोसोमा टीनियसोलियम टीनियस एजीनाटा फिर मैंने आपको इनकी तस्वीरें भी दिखा दी है ना है ना मजेदार बात ठीक है कोड भी बता दिया था सचिन लाइव प्लस पे अगर आप आ रहे हैं हमारे साथ तो देख लीजिए शिस्टोसोमा टीनिया टीनियसा इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस एनसीआरटी के डायग्राम्स टेपवम की बॉडी टेपवम का लाइफ साइकिल ऐसा होता है डायजेनेटिक राइट इज इट क्लियर ऑल माई राजा बेटा नानी बेटियां ठीक है जी खुशबू कह रही है मुझे ये क्लास ज्वाइन करना है कौन सा वाला क्लास आप कह रहे हैं बेटा यूट्यूब पे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए डेली आई एम लाइव एट मैं तीन बजे दो बजे स्वाति मैम होती है और मेरी क्लास के बाद चार बजे अनूप सर की क्लास होती है सो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड आर क्लासेस राइट थैंक यू सो मच सार्थक सिंह सर यू आर माई फेवरेट टीचर गॉड ब्लेस यू तो अब आप प्रॉमिस कीजिए कि रात को नौ बजे हम लोग अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज हमने चला रखी है जिसमें वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग विद डाइजेस्टिव सिस्टम टुमारो विल डू रेस्पिरेटरी सिस्टम देन सर्कुलेटरी तो कंप्लीट सिलेबस विल डू नाइन टू टेन आई विल बी टेकिंग द फ्री स्पेशल क्लास टेन टू इलेवन स्वाति बत्रा मैम विल टेक फॉर द बॉटनी टॉपिक्स ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड हम एक कंप्लीट बैच लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से नीट 2024 को टारगेट करते हुए वी आर लॉन्चिंग अ बैच एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट बैच ऑन अन अकेडमी प्लस राइट यू कैन चूज यूर सब्सक्रिप्शन प्लान एंड यूज द कोड सचिन लाइव गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय ठीक है जी खुशबू कह रही है मुझे भी ये क्लास ज्वाइन करा कैसे अरे कौन सी क्लास ये वाली क्लास तो youtube पे फ्री है ये तो तुमने ज्वाइन कर ही ली you subscribe the channel hit the bell icon daily you will get notification और जो अनअकैडमी प्लस पे करनी है उसके लिए अनअकैडमी की ऐप यू हैव टू इंस्टॉल इन योर फोन ऐप इंस्टॉल कीजिए अपना आईडी बना लीजिए फ्री में है वो सब कुछ राइट एंड देन यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी राइट जी चलिए बाय-बाय गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे ब्लेस्ड फिर मिलेंगे नेक्स्ट ल्टरनेट कर रहे हैं इलेवंथ एंड ट्वेल्थ का सिलेबस आई एम टीचिंग इलेवन टुमारो एल बी टीचिंग ट्वेल्थ क्लास सिलबस